इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्जेस के वजह से। अगर आपको किसी पॉइंट चार्ज के वजह से कहीं पर पोटेंशियल निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, वो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किसी एक डायपोल की वजह से अगर आपको पोटेंशियल निकालना है कहीं उसकी एक्सिस पर या उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो आप किस तरीके से करते हो। तो तरीका वही रहेगा, हम एक डायपोल बनाएंगे, उसके वजह से किसी आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकालेंगे, फिर आगे उसी के दो स्पेशल केसेस से मैं आपको एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इधर देखो हम किस तरीके से करते हैं इसे। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से किस तरीके से पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ, तो देखो कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक डायपोल है इस तरीके से, जहां यहां माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है। जैसे कि चैप्टर 1 में मैंने इन दोनों के बीच की सेपरेशन को क्या माना था, 2a, जो हमारी डेरिवेशन को क्या कर देता है, काफी हद तक सिंपल। अब देखो इसके सेंटर पे हम कोई पॉइंट लेते हैं O। अब इस डायपोल के वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं मानता हूं कोई पॉइंट यहां पर कंसीडर करता हूं मैं, जो कि r डिस्टेंस दूर है इस डायपोल से, उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P। तो देखो बेटा, केस ये है कि P पॉइंट पर हमें इन दोनों चार्जेस के वजह से पोटेंशियल निकालना है। जरूरी बात, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ वेक्टर नहीं है। हम एक बार इस चार्ज के वजह से ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के वजह से इस पर पोटेंशियल देखेंगे, फिर इस चार्ज के वजह से इस पर पोटेंशियल देखेंगे, और उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मूवमेंट और पोजिशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उधर इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो दे रखा है वो हमें गिवन है, वो एंगल कितना बेटा, थीटा। क्या बात समझ में आती है, इस आर को मैं यहां लिख लेता हूं। अब देखो पहले एक फॉर्मूला समझो, किसी क्यू चार्ज के वजह से आर डिस्टेंस दूर जाकर के पॉइंट पी पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइड बाय आर। इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, यहां दो पॉइंट चार्जेस है, माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू। तो देखो पोटेंशियल पोटेंशियल एट पी, पी पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे हैं, ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए। अब ए पर कौन सा चार्ज रखा है, नेगेटिव। अब स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसलिए हम नेगेटिव को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन में यूज नहीं करते उसको। तो देखो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए कैसे निकालते थे, हमें चार्ज पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है इधर, माइनस क्यू डिवाइड बाय इस चार्ज की पोजीशन उस पॉइंट पी पर। ये अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए। ठीक है ना, ये पूरा 2a है, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी उसकी हाफ, ये डिस्टेंस है। अब हमारा टारगेट है ये एपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं सकते क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो डिवाइड बाय ये डिस्टेंस हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कितनी है एपी, इसकी वैल्यू अभी हम निकालेंगे, और इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के क्यू डिवाइड बाय एपी। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी, बी पॉइंट के वजह से पोटेंशियल पी पर देखना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, के चार्ज की वैल्यू क्या है क्यू, और डिस्टेंस वापस है ये डिस्टेंस हमारी जो आएगी, इसको डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, बीपी। तो एक पोटेंशियल हमारा ये आया, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो अब इधर देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट पी कैसे आएगा, दोनों को डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, के क्यू डिवाइड बाय बी पी माइनस के क्यू डिवाइड बाय ए पी, प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था। इधर से देखो ध्यान से, यहां से के क्यू मैं कॉमन लूंगा, 1 अपॉन में बी पी माइनस 1 अपॉन में ए पी,
इसको इक्वेशन नंबर हम अपनी मान लेते हैं थर्ड। अब हमारा टारगेट है एपी और बीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो कंस्ट्रक्शन की मेथड से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो जरा, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, इसी में हम डायग्राम में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम मिटाऊंगा, ये पॉइंट हमारा क्या था ओ। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो बेटा, अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ओ है, यहां से एक इस तरीके की कोई वायर है जो इस तरीके से यहां पर लटक रही है, अब एक दूसरी वायर इस तरीके से जो इस तरीके से जा रही है। अगर आपको ओ ए की लेंथ मान लेते हैं क्या है एल, ओ ए लेंथ की सेम वायर इधर से कट करनी है, तो तरीका क्या रहेगा, आप छोटी वाली वायर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, एक परपेंडिकुलर गिराओगे, जितना जब परपेंडिकुलर गिरेगा तो ये जो लेंथ होगी ये वाली ये सेम होगी जितनी ये है। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल देखो मैं इधर कैसे करता हूं, देखो ध्यान से क्लियरली आपको डायग्राम से देखने को पता चल रहा है ओपी जो लेंथ है वो बड़ी है एज कंपेयर टू बीपी, तो वही वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस छोटे वाले पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा, है ना, मैंने यहां पर कितना गिरा दिया एक परपेंडिकुलर। अब जितनी लेंथ मेरी ये वाली है उतनी ही लेंथ मेरी ये वाली बच गई, इस पॉइंट को मैं नाम रख देता हूं एम। अब इधर देखो आगे की कैलकुलेशन में किस तरीके से करता हूं, तो ध्यान से देखो मेरे को क्या चाहिए था बीपी, और बीपी किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि बीपी बराबर है पीएम के। अब पीएम वैल्यू कैसे आएगी, देखो पीएम कैसे आएगा बेटा, ये पूरी लेंथ है ओपी, ओपी में से जब आप ये छोटी सी डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो ये बची हुई डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी पीएम। तो पीएम की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी लेंथ कितनी है ओपी माइनस इसमें से क्या माइनस कर दूंगा ओएम। नहीं समझ में आया, देखो हमने क्या किया, छोटी लेंथ से इस बड़ी वाली लेंथ पर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, परपेंडिकुलर गिराते ही ये डिस्टेंस जो हमें चाहिए ये किसके बराबर हो गई पीएम के ऑब्वियसली। अब ध्यान से देखो मेरे को ओपी गिवन है, ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है आर, कोई डिस्टेंस हमने लेट की थी आर है। अब मेरे को ये बची हुई डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पूरी लेंथ में से जब ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये बची वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो ओपी की वैल्यू आर है, ओएम की वैल्यू हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो इसमें 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए, क्लियरली क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी टू ए, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी ए। अब इधर ध्यान से देखो इन ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो 90 के सामने आती है हाइपोटेनस और हमें ओ एम चाहिए, जिस साइड थीटा हो उस साइड को क्या बोलते हैं बेस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है कॉस, तो इस ट्रायंगल में हम कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा क्या होगा बेस ओ एम अपॉन में 90 के सामने हाइपोटेनस कितनी है वो ए, तो ओ एम की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा हमें ए कॉस थीटा, ओ एम की वैल्यू मिल गई ए कॉस थीटा, तो यहां से हम अपना रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें चाहिए था बीपी हमें चाहिए था इधर पुट करने के लिए उसको निकाल लेते हैं। बीपी किसके बराबर है ओपी, ओपी कितना है हमारा आर माइनस ओएम कितना निकाला हमने ए कॉस थीटा, ये हमारा आ गया बीपी। क्या बात समझ में आई, ये हमारा क्या मिल गया बीपी, ये हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। अब दूसरी वाली बात करते हैं, ध्यान से देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप जब ड्राइंग एक्चुअल में अपनी कॉपी में करोगे तो जो सबसे पहले मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था बिना ये रेड मार्कर चलाए वो वाला आपको डायग्राम पहले नोट डाउन करना है, उसके बाद अभी जो फाइनल डायग्राम बनेगा एक बार आप वो वाला डायग्राम भी नोट डाउन कर लो ताकि रिविजन करते समय आप समझ में आए आपको। तो इधर देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब करना तो हमें ये चाहिए था कि ये छोटी लेंथ है और ये इस बार बड़ी हो गई है ना, तो हम क्या करेंगे यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे इसके ऊपर, और अब हमें क्या चाहिए ये डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर हमें एंगल ही नहीं पता चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ देखो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं, मैं क्या करता हूँ ये जो लेंथ है हमारी ओपी है ना, इसको मैं इंक्रीज करता हूँ कुछ इस तरीके से, हमने इसको थोड़ा बढ़ाया,
अब मैं क्या करूंगा, अब जैसी तुमने इस लेंथ को बढ़ाया तो ये वाली लेंथ छोटी हो गई, अब ये वाली लेंथ बड़ी हो गई, तो वापस से कॉन्सेप्ट वही है। छोटी वाली लेंथ से क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर गिराओगे, आपने परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो होगा क्या, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी, ये जो परपेंडिकुलर गिरा इसका नाम एन रख देते हैं, कंफ्यूजन है, इस पॉइंट का नाम मैं ओ रखता हूँ जो हमने पहले से रखा हुआ है। ये हमने परपेंडिकुलर गिराया एन। अब ध्यान देखो ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ सामने वाले एंगल देखो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इससे मेरे को क्या हो गया, ये एंगल मिल गया, और ये डिस्टेंस तो मुझे पता है कितनी है, ये डिस्टेंस ए। बात समझ में आती है। अब ध्यान देखो मेरे को क्या चाहिए, एपी। एपी किसके बराबर है, एपी बराबर है ओ एन के, ओ एन कह रहा हूं, एपी किसके बराबर है, पी एन के, और पी एन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ओपी, ओपी प्लस ओ एन, ओ एन ये छोटी सी जो लेंथ है हमने निकाली है ये उसमें ऐड कर देंगे, ओपी है आर, ओ एन हमें निकालना है, ओ एन किस ट्रायंगल से निकालूंगा मैं, इस ट्रायंगल से, सेम मेथड फॉलो करते हैं, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बताओ ओ ए एन, ओ ए एन, इस ट्रायंगल में ध्यान देखना, अब थीटा इस साइड है तो थीटा साइड कौन सी होती है, ये हमारी साइड हो गई बेस, और 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कौन सा फंक्शन लग रहा है फिर से, कॉस थीटा, तो इसमें लगाते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा बेटा, बेस, बेस क्या है ओ एन अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी दे रखी है 90 के सामने, ए, तो ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई वापस से, ए कॉस थीटा, समझ में आया, ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉस थीटा, पुट करते हैं, एपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एपी कितना है देखो, एपी हमारी आ गई ओपी, ओपी डिस्टेंस है आर प्लस ओ एन कितना निकला, ए कॉस थीटा। अब देखो हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली है, पहले हमने बीपी निकाला फिर हमने एपी निकाला, ये मेथड आपको ध्यान में रखना है, अब तो बस खत्म है मैथमेटिक्स है, इसको मैंने इसमें पुट करना है और वापस से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी है, आप इतना नोट डाउन करो, इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, आप ये वाला डायग्राम एक बार जरूर बना लेना फाइनल, ताकि आप रिवीजन करो ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया डायग्राम को, तो आप एक डायग्राम मत बनाना, आप इसमें दो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, तो इधर देखो, पुट एपी एंड दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, बीपी इन इक्वेशन थर्ड, तो देखो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी के क्यू डिवाइड बाय वन अपॉन में बीपी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में एपी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस ए कॉस थीटा, क्या ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल एट पी के क्यू इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ आर प्लस ए कॉस थीटा, ये वाला पूरे टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, अरे मल्टीप्लाई किया है बस मैंने, इस पूरे को यहां पर लेके गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, डिवाइड में क्या है, इसकी मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ, आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, अब देखो क्या होगा, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे देखो ये दोनों ऊपर पहले तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, नीचे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, इधर देखो पोटेंशियल एट पी के क्यू, इतनी सारी मैथ थोड़ा सा ध्यान रखो आराम से हो जाएगा, इधर देखो ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, क्या क्लियर है, डिवाइड बाय देखो इधर a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब ध्यान से देखो फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बन गया k, देखो चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डाइपोल, अभी हमने देखा था ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू क्यू, इसकी पूरी लेंथ कितनी मानी थी हमने 2a, तो
तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, कोई भी एक चार्ज लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उस लेंथ से, तो ये क्या आ जाता था, डायपोल मोमेंट। लास्ट जो क्लास हमने की थी लेक्चर, उसमें हमने इसको ड्राइव किया था। इधर देखो, के का के क्यू इंटू टू ए क्या बन गया, पी, साथ में आ गया हमारा कॉस थीटा, डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आया, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो, इसी में कुछ स्पेशल केस हैं जिनके वजह से हम एक्सियल इक्विटोरियल के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं वैसे ही रिपीट करना चाहूंगा, जैसे कि पोटेंशियल हमने ये निकाल लिया, एक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, हाँ, तो देखो बात करते हैं हम शॉर्ट डायपोल फोर शॉर्ट डायपोल। अब शॉर्ट डायपोल ये सब हमने चैप्टर वन में अच्छे से बात किया है। शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है, जब जो ए लेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू आर, इसका मतलब ए इतना छोटा है कि उसके स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हैं, जीरो, या सिंपल बोलूं तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, जब ए स्मॉल है, ए का स्क्वायर और स्मॉल होगा, तो इस पूरी टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो पोटेंशियल एट पी फॉर शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला क्या बन गया, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय, ये पूरा हो गया जीरो, नीचे आ गया आर स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो क्लियरली आप देखो, एक चार्ज के वजह से, एक चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल का ड्रॉप था वो क्या था, के क्यू डिवाइड बाय आर, यानी कि वो 1/r टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप हो रही थी, लेकिन दो चार्जेस के वजह से 1/r स्क्वायर टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है फीचर जो आपसे पूछा जा सकता है, कि एक चार्ज के वजह से 1/r, एक डायपोल के वजह से 1/r स्क्वायर टाइम पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब इधर देखो, इसी में दो केस है, एट एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन, और दूसरा है एट इक्विटोरियल पोजिशन। एक्सियल और इक्विटोरियल का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, इधर है माइनस चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज, अगर आप इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट कैसा होगा, एक्सियल, और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर आप किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालोगे तो वो कैसा होगा, इक्विटोरियल, यानी कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो डिग्री। अब देखो, यहाँ जीरो डिग्री पुट करो, तो पोटेंशियल एट पी के पी कॉस जीरो डिग्री डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो इधर देखो पोटेंशियल एट पी कितना आ गया, के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर देखो, एट इक्विटोरियल पर एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना बन जाएगा बेटा इधर, 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एट पी कितना आ गया, के पी कॉस 90 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और कॉस 90 होता है जीरो, तो ये पूरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल एट इक्विटोरियल पॉइंट कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो जीरो नहीं आता था पोटेंशियल, लेकिन इक्विटोरियल पॉइंट पर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में हमने देखा, किसी एक डायपोल के वजह से कहीं पर पोटेंशियल निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो हमने पूरी डेरिवेशन की। आप एक बार इसको रिवाइज करना अच्छे से, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन तो है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।